हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं तहलका मूवी में काम करने वाले सभी कलाकारों के रियल नेम और रियल एज के बारे में। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों हमारे लिस्ट में नंबर वन पर आता है धर्मेंद्र। उन्होंने पूर्व मेजर धर्म सिंह का किरदार निभाया था। बात करते हैं इनकी एज के बारे में, तो इनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को हुआ था, जो कि इसमें 85 वर्ष के हो चुके हैं। नंबर दो पर आते हैं नसरुद्दीन शाह, जिन्होंने मूवी में कप्तान रणवीर कपूर का किरदार निभाया था। बात करते हैं इनकी रियल एज के बारे में, तो इनकी जन्म 20 जुलाई 1950 को हुआ था, जो कि इसमें 72 वर्ष के हो चुके हैं। नंबर थ्री पर आते हैं मुकेश खन्ना, जिन्होंने मेजर कृष्ण राव का किरदार निभाया था। बात करते हैं इनकी रियल एज के बारे में, तो इनका जन्म 23 जून 1985 को हुआ था, जो कि इसमें 64 वर्ष के हो चुके हैं। नंबर फोर पर आते हैं आदित्य पंचोली, जिन्होंने कैप्टन राकेश का किरदार निभाया था। बात करते हैं इनकी रियल एज के बारे में, तो इनका जन्म 4 जनवरी 1965 को हुआ था, जो कि इसमें 58 वर्ष के हो चुके हैं। नंबर फाइव पर आते हैं जावेद जाफरी, जिन्होंने कैप्टन जावेद का किरदार निभाया था। बात करते हैं इनकी रियल एज के बारे में, जावेद जाफरी का जन्म 4 दिसंबर 1963 को हुआ था, जो कि इसमें 59 वर्ष के हो चुके हैं। नंबर सिक्स पर आते हैं सोनू गालिया, सोनू गालिया जिन्होंने जेनी डी कॉस्टा का किरदार निभाया था। बात करते हैं इनकी रियल एज के बारे में, तो इनका जन्म 29 फरवरी 1964 को हुआ था, जो कि इसमें 59 वर्ष के हो चुके हैं। बात करते हैं हमारे सेवन नंबर पर आते हैं पल्लवी जोशी, जिन्होंने तहलका मूवी में जूली का किरदार निभाया था, जिनका जन्म 4 अप्रैल 1969 को हुआ था, जो कि इसमें 54 वर्ष की हो चुकी हैं। नंबर आठ पर आते हैं प्रेम चोपड़ा, जिन्होंने तहलका मूवी में प्रिंस कोवाकोव का किरदार निभाया था, जो कि इसमें 87 वर्ष के हो चुके हैं, जिनका जन्म 23 सितंबर 1935 में हुआ था। नंबर नौ पर आते हैं गुलशन ग्रोवर, जिन्होंने अर्दली अल्लाह रखा का किरदार निभाया था। बात करते हैं इनकी रियल एज के बारे में, तो गुलशन ग्रोवर का जन्म 21 सितंबर 1955 को हुआ था, जो कि इसमें 67 वर्ष के हो चुके हैं। हमारी लिस्ट में नंबर 10 पर आते हैं शम्मी कपूर, जिन्होंने ब्रिगेडियर कपूर का किरदार निभाया था। बात करते हैं इनकी रियल एज के बारे में, तो इनका जन्म 21 अक्टूबर 1931 को हुआ था, जो कि महान कलाकार हमारे बीच अब इसमें नहीं है, जो कि इनका देहांत 14 अगस्त 2011 में हो चुका था, उसमें इनकी एज 79 वर्ष थी। नंबर 11 पर आते हैं अमरीश पुरी, जिन्होंने उसमें जनरल डोंग का किरदार निभाया था। बात करते हैं इनके रियल एज के बारे में, तो अमरीश पुरी का जन्म 22 जून 1932 को हुआ था, जो कि ये भी कलाकार हमारे बीच नहीं रहे हैं, क्योंकि इनकी मौत 12 जनवरी 2005 को 72 वर्ष की उम्र में ही हो चुकी थी। नंबर 12 पर आते हैं सुधीर डोंग, जो कि सेना के कप्तान थे, डोंग की सेना के कप्तान थे। बात करते हैं इनकी रियल एज के बारे में, तो इनकी एज के बारे में हमें इंटरनेट से कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, इसके लिए खेद है। नंबर 13 पर आती हैं गुड्डू मारुति, जिन्होंने मूवी में सलमा का किरदार निभाया था। बात करते हैं इनकी एज के बारे में, तो इनका जन्म 4 अप्रैल 1961 को हुआ था, जो कि इस समय 62 वर्ष के हो चुके हैं। नंबर 14 पर आते हैं टॉम अल्टर जिन्होंने डोंग की सेना का कप्तान का किरदार निभाया था। बात करते हैं इनकी रियल एज के बारे में, तो इनका जन्म 1950 को हुआ था, जो कि हमारे बीच में नहीं रहे हैं, और 2017 में इनकी मौत हो चुकी है, उसमें इनकी उम्र 67 वर्ष थी। नंबर 15 पर आते हैं राजेंद्र राज, जिन्होंने स्विमिंग पूल में लाइफ गार्ड का किरदार निभाया था। बात करते हैं इनकी रियल एज के बारे में, तो इनका जन्म 8 जून 1931 को हुआ था, और जो कि 13 फरवरी 2008 में इनकी मौत हो गई थी, और उसमें इनकी उम्र 76 वर्ष। दोस्तों ये थे तहलका मूवी में काम करने वाले कुछ कलाकारों के रियल नेम और रियल एज। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए शेयर सब्सक्राइब और लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में।